बहनों एवं हमारी जनता, प्यारी जनता, आज हम जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तो हम राजभवन की तरफ इन कर रहे हैं और वीवीआई पास है हमारे पास क्योंकि इसके बिना एंट्री नहीं मिल सकती है। और आगे आप देख सकते हैं कि सारे जो है पार्टी के लोग जा रहे हैं, एनडीए जो में हम लोग सब 7 लोग हैं वो सब लोग अंदर जा रहे हैं। और इस तरह से जो कि भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी चेकिंग है, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया कर्मी भाई लोग भी हैं। तो अब हम अंदर जब जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से हम लोग जाते हैं, अंदर का क्या व्यू है, कितने मंत्री शपथ लेते हैं और फिर आपको हम आगे दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल चेकिंग चल रही है और हम रास्ते में ही हैं। ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, कुमार पुरुषोत्तम जी। हाँ, पास ये निकला हुआ है। ये है मनीष जी, ये सब हम लोग पार्टी के ही हैं। और ये आगे देखिए, हम हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, हम आगे जा रहे हैं। देखिए किस तरह से हमारी जो गाड़ी बढ़ रही है, तो हमारा पास चेक हो रहा है। और एक जो ये है, कितने लोग हैं? पाँच है ना। हाँ, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हमारी पास जो वीवीआई पास थी वो उसे लिया गया वहाँ पे, क्योंकि जो है कि बिना पास तुम बताए थे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये देखिए हम राजभवन की तरफ इन कर रहे हैं और आगे का देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, इतना अच्छा गार्डन है। हम तो राजभवन हमेशा से आते रहते हैं। पास मैंने फिलहाल अपने पास रख लिया है, एक पास इन्होंने अपने पास रख लिया था, इस कारण से मुझे देना नहीं पड़ा। और जो आगे जो है, ये तेज है इसलिए एक पास बचा लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मेरा एक पास यहाँ है, यहाँ कीजिए। फर्स्ट बिल्डिंग है, देखिए इस तरह से डायरेक्शन हमें मिल रहा है, दे रहे हैं डायरेक्शन दिया जा रहा है, किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। जो बता रहे हैं कि हमें जो है राइट जाना है जी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है कि सारा व्यवस्था लगा हुआ है, क्योंकि सब लोग आएंगे तो सभी लोग के खाने पीने का व्यवस्था इधर है। ये जी जी, अब देखिए जैसे जैसे हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे, हमारे ट्रैफिक वाले जो है भाई वो बताते जाएंगे कि हमें किस तरफ जाना है जी, हमें किस तरह से जाना है वो बताते जाएंगे। ये देखिए काफ़ी भीड़ लगी है, ये देखिए एक महिला भी है ट्रैफिक, वो बता रही थी कि हम स्ट्रेट जाना है और हम स्ट्रेट जा रहे हैं। अब देखिए लगभग अपने जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, वहां पे सारे। अब आइए दिखाते हैं अंदर का, इसलिए अंदर चलते हैं, मिलते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमारा भी जाता है तो हमारा अलाव होता है कि हम अंदर आएँ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, तो हम बहुत खुश हैं और ऐसे ऐसे मौके मिलते रहते हैं। आइए आपको अंदर दिखाते हैं, जैसे सारे मीडिया भाई अंदर लगे थे। जहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सब शपथ ग्रहण करेंगे, देख सकते हैं मीडिया भाई है। आगे तो देख सकते हैं हमारी प्यारी जनता कि यहाँ हमारे सामने का स्टेज है और यहाँ पे इतनी मुसीबत से हम इन किए हैं कि हम बता नहीं सकते। इतना आप लोग बेहतरीन देख रहे हैं और हमारे देखे भाई साहब लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों को भीड़ ना हो इसलिए और सबकी देख रेख के लिए खड़े हैं कि किसी परेशानी ना हो। मगर इस भीड़ में घुसने के आगे बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए तो अपनी सीट पर बैठने में कायम रहे। देख सकते हैं बहुत मुश्किल से मिला है, हालांकि हमें मिल गया, ये हमारी सफलता है। चलिए और जैसे जैसे नहीं जाहिर सी बात है, हम लोग को तो बैठना ही था, पीछे पीछे ढेर 2-4-10 लोग भी आ गए, कुर्सी को तो कुर्सी मिली। चलिए हम तो खुश होते हैं कि अगर हम जिस तरह से पार्टी में हैं और लोग एक बार सोचते हैं, जनता एक बार सोचते हैं, वो जनता की अगर भलाई हो तो हम बहुत खुश रहते हैं। चलिए आगे हम दिखाएंगे और आगे आपको हम बताएंगे जब शपथ ग्रहण होना शुरू होगा। ठीक है,
मंदिर का हो रहा था, अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है। लेकिन फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि राजभवन में जितना हरियाली है, हालांकि हरियाली बहुत पसंद है, हम प्लांटिंग भी करते हैं तो उस व्यू से हमें बहुत पसंद है और ऐसा लग रहा है हम किसी गार्डन में आए हैं। और जहाँ हम आज खड़े हैं वो बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा पल है क्योंकि हम अच्छे अच्छे और बड़े जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उन सबके बीच हम हैं, तो हम जाहिर नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपको हम दिखाते हैं और भी साथी बंधु लोग जो हैं आगे क्यों बढ़ रहे हैं। यहाँ इतना भीड़ है कि आप पकड़ा सकते हैं पीछे, तो ये कहने की बात नहीं है। और हम देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे खाने का व्यवस्था है तो हम सब अब कुछ खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी जोर से भूख भी लग चुकी है। काफ़ी टाइम से हम ये कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमें डिबेट भी देना था और न्यूज़ बाइट भी देना था, तो हम देते करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब हम यहाँ पे आ करके अब कुछ खाएंगे, अब देखते हैं कि खाने में क्या है। हालांकि खाने में पिछले बार भी खाए थे, हर बार आते हैं, हम पार्टी पहले अच्छा पहुंचे होता है, टेस्टी होता है, बट आज हम फिर खाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या खाते हैं। अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं हुआ है खाना। और ये देखिए शास्त्री भाई हैं, हम लोग सब पार्टी के ही हैं। अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक टाइप से है। और बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक कैसा लग रहा है? नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? हाँ, यहाँ से इधर से लिए ना। हाँ, एंजॉय कर ही रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं हमारे राजभवन में हमारे मौसा जी हैं, खासम खास बहुत ही खास है। लेकिन मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं, डरिए मत, ये हमारा बस अपना ये है वीडियो है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मौसा जी यहाँ पे है, अच्छा लग रहा है। हम कहीं पे आते हैं और वहाँ पे जब अपने घर के लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि राजभवन में सब लोग अधिकतर सब हमारे ही हैं क्योंकि हम बचपन मेरा गुजरा है राजभवन का, जो यहाँ पे क्वार्टर हाउस है वहाँ पे, तो सारा एक फैमिली टाइप का है। लेकिन फिर भी बड़े लीडर के बीच में आकर बैठना वो एक अलग अनुभव होता है, एक अलग फीलिंग होता है। तो अभी तो हम शेयर किए हैं, बाकी अभी तो खाना स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन जोर से भूख लगी है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या क्या है और जैसे ही खाना स्टार्ट होगा सबसे पहले हम जनता को दिखाएंगे और खिलाएंगे। लेकिन खिला नहीं सकते, सॉरी, क्योंकि आप कैमरा में हम दिखा रहे हैं। काश कि हम आपको खिला सके और अच्छा लगता है हमें जब हमारी जनता खुश होती है सामने से। तो देखते हैं, फिर बताते हैं कि क्या क्या है, शेयर करते। तो अब हम जो है कि जनता अब निकल रहे हैं राजभवन से और ये देख सकते हैं सारे लोग अपने अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी एक्चुअली बाहर ही लगाना पड़ा था, तो हम अंदर तो आए ज़रूर मगर गाड़ी बाहर जाके लगाए थे, तो फिर अब है कि हमें पैदल निकलना पड़ रहा है। और अब इसकी समाप्ति हो चुकी है। आपने देखा है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश किए हैं और हर चीज़ आपसे शेयर किए हैं, किस तरह से हमने कुर्सी के लिए मारामारी की थी और किस तरह से कुर्सी भी हमने खींचा था। तो अब देखिए हम लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं सारे लोग जो है निकल रहे हैं। अब हम भी अपनी खाने के लिए तो था क्योंकि भूख लगा था, जाहिर सी बात है। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि खाने के लिए, तो देखिए हम खाने के लिए फिर जब खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे क्यों, कैसे लड़ेंगे, जनता के लिए भी लड़ना है तो खाना जरूरी है। चलिए फिर से मिलते हैं आपको, जब कोई ये होगा तो फिर से हम ब्लॉग बनाएंगे और मिलेंगे।